हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिटमैन शॉर्टन सीरीज को, और आज हम लोग पढ़ेंगे पिटमैन में चैप्टर 28 सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस। वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा, तो आज हम लोग चैप्टर 28 खत्म करेंगे और बहुत ही सिंपली इजीली 9 पॉइंट्स में मैं आपको ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग चलिए अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस क्या होते क्या है, ये तो पहले ये जान लो कि जो भी हम लोग डॉट लगाते हैं ना, कोई भी आउटलाइन लिखा उसके बाद जो हमने डॉट लगाया वो आईएनजी का साउंड देता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने डिसजॉइन करी या किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए एंड में जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम लोग सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस कहते हैं। अब यहाँ पे 9 पॉइंट्स में आपको मैं ये चैप्टर समझा दूंगा। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अ फाइनल डॉट इज यूज्ड टू इंडिकेट द साउंड ऑफ आईएनजी। तो एक फाइनल डॉट, ये सिंपल सा एक फाइनल डॉट, किसी भी आउटलाइन के एंड में अगर ये फाइनल डॉट आता है तो ये कौन सा साउंड देगा, तो ये आईएनजी का साउंड देगा। अब देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। जैसे देखो, ये पी के साथ ए की वोवेल लगी हुई है, तो ये पे है। पे के साथ हमने यहाँ पे ये डॉट लगाया तो ये पेइंग हो गया। यहाँ पे हमारा टी आर आई ट्राई लिखा हुआ था, टी के साथ आर की इनिशियल हुक थी, यहाँ पे हमने आई एन जी का डॉट लगा दिया तो ट्राइंग हो गया। यहाँ पे टी आर एन टर्न था, आई एन जी का डॉट लगा दिया हमने तो टर्निंग हो गया। सिमिलरली एच के साथ आर था डाउनवर्ड, डॉट लगा हियरिंग हो गया, उसके साथ एच था डॉट लगा होइंग हो गया। अब इसका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है अगर किसी भी लाइट डाउन स्ट्रोक के बाद या डाउनवर्ड आर के बाद डॉट है फाइनली, तो वो आईएनजी का साउंड देगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस रूल को याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर हर एक आउटलाइन के बाद जो अंत में डॉट आता है तो हम लोग उसको आईएनजी ही पढ़ते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, स्टार्टिंग में आप लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे और जब आप लोग इसमें धुरंधर हो जाओगे आप फिर आप कोई भी रूल आप नहीं देखोगे, आप खुद ही अपनी आउटलाइन बनाने लगोगे। लेकिन अभी रूल को फॉलो करो तो वही बेहतर है। दूसरा क्या है, हम लोग आईएनजी का डॉट फिर कहाँ पे लगाते हैं, आफ्टर एनएस के जी हुक्ड फॉर एफ और वी। यानी एनएस क्या है, ये एनएस है, ये के है, ये डार्क कर दिया तो जी है। इन सब के साथ हम लोग आईएनजी का डॉट लगाते हैं लास्ट में, अगर इनके साथ एफ या फिर वी का कोई हुक लगा हुआ हो तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी आर एन एस आई एन जी, यहाँ पे N की हुक है छुपी हुई, दिख नहीं रही है लेकिन यहाँ पे N की हुक है, तो इसके साथ हम लोग डॉट लगाएंगे ING वाला, तो ये प्रेंसिंग हो जाएगा। यहाँ पे कफ लिखा हुआ है, K के साथ अ का वोवेल है और F का फाइनल हुक है, तो K भी है F का फाइनल हुक भी है, तो हम लोग डॉट लगा के ING जोड़ देंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले रूल पे। अगला रूल है हमारा, आफ्टर हाफ लेंथ एंड डबल लेंथ नो एंगल फॉर्म्ड। मतलब अगर हमारा जैसे देखो, ये बी आर को हमने हाफ किया तो बी आर के साथ डी की साउंड ऐड हो गई, ठीक है, और ये आई एन जी हमने लगा दिया तो ये ब्रूडिंग हो गया। सिमिलरली एफ के साथ जे है, जे को हाफ किया तो टी की साउंड ऐड होगी, फिजिट, इसके साथ आई एन जी का डॉट लगा दिया तो फिजिटिंग हो गया। एम को हाफ किया, एम ए टी का साउंड आ गया, आई एन जी लगा दिया तो मैटिंग हो गया। यानी कि अगर किसी स्ट्रोक को हम लोग छोटा करते हैं हाविंग प्रिंसिपल से या बड़ा करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल से तो उसके बाद आईएनजी का डॉट लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि उस स्ट्रोक में एंगल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, अगला रूल कहता है, समटाइम्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्टेड ग्रामलोग्स। अब जैसे आपको पता है कि आप लोग ग्रामलोग लिखते हो ऑन द लाइन, ये वाला ऑन द लाइन लिखते हो आप रिमेंबर, रिमेंबर में अगर आईएनजी लग गया तो ये रिमेंबरिंग हो गया। ये ऑन द लाइन के लिखते हो कमिंग, इसमें डॉट लग गया तो ये कमिंग हो गया, कम लिख तो कमिंग हो गया। उसी तरह ओवर द लाइन होता है कम, ये कैन होता है, कैन के साथ डॉट लगा के तो कुछ बना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड है तो बन जाएगा। आगे देखो, थैंक है एवर द लाइन, टी एच को हम लोग थैंक पढ़ते हैं, आई एन जी लगा दिया थैंकिंग हो गया। थ्रू द लाइन टी एच को हम लोग थिंक पढ़ते हैं, आई एन जी लगा दिया तो ये थिंकिंग हो गया, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, पांचवा, बिकॉज आई एन जी कैन नॉट बी यूज मीडियली। अब देखो, डॉट लगा के आई एन जी आप बीच में तो यूज कर नहीं सकते,
या तो स्टार्ट में यूज करोगे या तो लास्ट में यूज करोगे। तो अगर ऐसे वर्ड्स आ गए जिसमें बीच में आईएनजी है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ये है एडमायरिंग, ADMR और आईएनजी का डॉट, तो एडमायरिंग में आईएनजी का डॉट लगा दिया हमने। लेकिन अगर हमारे पास ये वर्ड आ जाए एडमायरिंगली, तो यहाँ पे आईएनजी आ गया ना, तो इसको हम लोग एनजी के स्ट्रोक से बना के दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डॉट लगा नहीं सकते, यहाँ पे हमें तो आईएनजी का स्ट्रोक ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे डिजर्विंग, DSRV और आईएनजी रूल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन डिजर्विंगली आ जाए तो यहाँ पे हम लोग आईएनजी का डॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके बाद एल की स्ट्रोक भी है, तो यहाँ पे हम लोग एनजी का स्ट्रोक लगा देंगे, यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट हम लोग लास्ट में लगाएंगे डिजर्विंगली में, एल आई का डॉट लगाएंगे, सॉरी आईएनजी का नहीं लगाएंगे, आई का लगाएंगे वोवेल वाला। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। आईएनजी को हम लोग डॉट से दिखाते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर INGS आ जाए, किसी कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में INGS है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डैश बना देंगे, जैसे ईचिंग्स, INGS है ईचिंग्स में, तो यहाँ पे हम लोग डॉट ना दे करके डैश बना देते हैं। प्लॉटिंग्स INGS है, तो यहाँ पे भी डॉट ना दे के डैश बना देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले रूल पे। अगला रूल है हमारा LET, ELET, RET, ORET, or LT आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग दीज टर्मिनेशंस, यानी कोई भी वर्ड अगर इन चीज़ों से एंड हो रहा है, ये सफिक्सेस एंड में आ रहे हैं किसी भी आउटलाइन या किसी भी वर्ड में, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से इनका साउंड स्टार्ट होता है, LET, ORET, ELET, जहाँ से इनका साउंड स्टार्ट होता है वहीं से इनकी आउटलाइन को हम लोग अलग कर देते हैं, डिसजॉइन कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो फॉर्मेलिटी में FOR तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मेलिटी का साउंड कहाँ से ऐड हुआ, M से ऐड हुआ, तो हमने M को अलग कर दिया। यहाँ देखो बारबेरिटी है, तो बार तक आया BAR, उसके बाद इरिटी का साउंड कहाँ शुरू हुआ, B के बाद, BAR तक तो सही आया, फिर एरिटी का साउंड कहाँ से शुरू हुआ, B के बाद से, तो B को हमने अलग कर दिया। फिर नोवेल्टी है, तो N तक तो ठीक आया, NOV तक, फिर LT का साउंड कहाँ से शुरू हो गया, V के बाद से, तो V को हमने अलग कर दिया। फिर है मेजोरिटी में MA तो ठीक है, लेकिन ORET का साउंड कहाँ से शुरू हुआ, J के बाद से, तो J को हमने डिसजॉइन कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही सारे वर्ड्स आपको करने हैं। चलते हैं हम लोग आगे। हमारा अगला रूल है लॉजिकल या लॉजिकली वाला, देखते हैं। लॉजिकल या लॉजिकली अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस के एंड में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जे को डिसजॉइन करके उसको डिनोट कर देते हैं, यानी जे आउटलाइन को अलग से बना देते हैं, ये डिनोट कर देता है लॉजिकल या लॉजिकली को, कैसे वो देखते हैं। जैसे मिथोलॉजिकल है, मिथोलॉजिकल में हमने मिथ लिख दिया, एम थ्रू द लाइन TH मिथ, और लॉजिकल या लॉजिकली के लिए हम लोग जे अलग कर देते हैं, जे को डिसजॉइन कर देते हैं, तो ये हो गया मिथोलॉजिकल या मिथोलॉजिकली। ठीक है, अगला हमारा इलॉजिकल, इलॉजिकल के लिए हमने इल लिख दिया थ्रू द लाइन, और लॉजिकल का साउंड के लिए हमने जे को यहाँ से डिसजॉइन कर दिया, तो ये हो गया इलॉजिकल या इलॉजिकली, दोनों पढ़ सकते हैं इसको। अगला रूल हमारा मेंट वाला, मेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये M है, M को अगर हम लोग हाफ करते हैं और N की फाइनल हुक लगा देते हैं तो ये मेंट होता है, ये होता है मेंट, MENT वाला मेंट, और MT भी होता है मेंट किसी किसी जगह पे वर्ड्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब वो आप एग्जांपल से देखोगे कि हम लोग मेंट को इन दोनों तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो ऐसे MNT हाफ करके या तो MT हाफ करके। ठीक है, देखो अब कैसे करते हैं। जैसे देखो यहाँ सेंटिमेंट है हमारा पहला वर्ड, तो SNT SN के साथ N को हाफ कर दिया, तो ये हो गया सेंटी, और MNT को हाफ कर दिया, MN को हाफ किया तो T का साउंड ऐड हो गया, तो ये हो गया सेंटिमेंट। उसी तरह ये अग्रीमेंट, अब हम लोग ये वाला तो देख लिया हम लोगों ने, अब ये वाला देखते हैं कि सिर्फ M को हाफ करके कैसे बनता है। ये देखो ये इम्प्रिजनमेंट, तो ये इम्प्रिजन यहाँ तक तो इम्प्रिजन आया, लेकिन यहाँ पे मेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें पेन उल्टी दिशा में या पेंसिल उल्टी दिशा में चलानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एन को हाफ कर देते हैं, तो एनटी का साउंड आ जाता है यहाँ पे, तो इम्प्रिजन एंट साउंड्स लाइक इम्प्रिजनमेंट, इसलिए हम लोग ये वाला रूल फॉलो करते हैं ताकि ज्वाइनिंग बेटर हो सके और हम लोग समझ बेटर सकें इस चीज़ को। उसी तरह कॉमेंसमेंट, कॉमेंसमेंट में MNT के जगह NT लगा देते हैं, क्योंकि सर्कल के बाद M ऊपर से लिखना, जैसे आप ये देखो
कमेंसमेंट। अब आप बताओ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा अच्छा भी लगेगा और बनाने में भी इजी इजी है ज्यादा, ठीक है। इसलिए ये रूल है कि आप लोग एम एन टी की जगह सिर्फ एन टी लिख दो या कहीं कहीं पे एम टी लिख दो, वो भी चल जाता है। चलते हैं आगे। मेंटल, मेंटली या मेंटलिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग एम एन टी। यहाँ पे भी एम एन टी को हम लोग डिसजॉइन करके ये तीन वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे एम एन टी डिसजॉइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एम एन टी एज ए सफिक्स यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिसजॉइन हो रहा है। ये वाला देख लेते हैं। जैसे है हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो ये आई एन एस टी आर, तो ये तो समझ गए ये इंस टी आर है, आई एन एस टी आर है। अब यहाँ एम एन टी को हमने डिसजॉइन कर दिया, तो ये मेंट, मेंटल या मेंटिलिटी तीनों का साउंड दे देगा ये एम एन टी अकेले। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी है, ये इंस्ट्रूमेंटल भी है, ये इंस्ट्रूमेंटिलिटी भी है। ये उसी तरीके से ये एफ एन डी है और ये एम एन टी है, तो ये फंडामेंटल भी है, फंडामेंटली भी है, फंडामेंटलिटी भी है, ठीक है। ये तीनों है। चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल हमारा एल वाई। एल वाई इज एक्सप्रेस्ड बाय ज्वाइनिंग और डिसज्वाइनिंग एल। तो अगर हम लोग एल को ज्वाइन या डिसज्वाइन करते हैं तो एल वाई का साउंड आता है। और ये एल वाई एज इन एल आई भी पढ़ा जा सकता है अगर आप लोग साउंड को कंसीडर करो तो। अब देखो चीफली है, लिखा तो एल वाई है लेकिन साउंड किसका आएगा, एल आई का साउंड आएगा चीफली में, ठीक है। तो ये चीफ हो गया और एल एल को हम डाउनवर्ड एल को हमने इसमें ज्वाइन करके रखा है। आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो तो भी सेम ही साउंड होगा। अब यहाँ पे फ्रेंडली है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड के बाद एल को कैसे ज्वाइन करते हैं, नीचे करना पड़ता और ये आउट एंड देखने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फ्रेंड के साथ एल को हमने क्या किया, डिसज्वाइन करके लिख दिया, तो ये फ्रेंडली हो गया। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा शिप। शिप को हम लोग अगर हम लोग किसी किसी वर्ड के एंड में शिप आता है तो उसको दिखाने के लिए एस एच को हम लोग डिसज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये हमारा एस एच है, कोई भी वर्ड है फ्रेंडशिप है, तो ये है फ्रेंडशिप, हमने अलग कर दिया। चाहें तो साथ भी लिख सकते हैं, चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी पे है। सिटीजनशिप, यहाँ पे भी एस एच है, सिटीजन के साथ शिप है, यहाँ भी चाहें तो ज्वाइन कर दें या फिर डिसज्वाइन कर दें। यहाँ स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप अलग कर दिया, ठीक है। आठवां रूल है हमारा फुलनेस, लेसनेस और लाउजनेस। जैसे किसी भी वर्ड के एंड में फुलनेस आए, लेसनेस आए या लाउजनेस आए, तो एफ एस से फुलनेस डिनोट हो जाएगा, एल एस से लेसनेस और एल एस से लाउजनेस, ये दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। अब देखो केयरफुलनेस, तो हमने केयर का ग्रामोलोग लिख दिया के आर वाला, और फुलनेस के लिए एफ एस लगा दिया, तो केयरफुलनेस हो गया। हीडलेसनेस था, हीड लिख दिया एच डबल ई डी हीड, और एल एस लगा दिया तो हीडलेसनेस भी हो गया, लाउजनेस भी हो गया। तो ये हमारा आठ रूल हो गया यहाँ पे खत्म। चलते हैं अगले रूल पे। अगला हमारा रूल नाइन्थ। नाइन्थ रूल कहता है वार्ड, वार्ट, वॉट या यार्ड, ये चार वर्ड्स अगर कहीं पे भी सफिक्स के तौर पे लगे हुए हैं तो दे आर एक्सप्रेस्ड बाय हाफ साइज डब्ल्यू एंड वाई। जैसे बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए के और डब्ल्यू का हाफ वाला ले लेंगे, जैसे कि रूल में है, तो ये बैकवर्ड हो गया। ये था स्टाल, एस टी एल और डब्ल्यू टी लगा दिया, तो स्टाल वार्ट हो गया। यहाँ पे वार्ड हुआ था, यहाँ पे वार्ट हो गया, स्टाल वार्ट, ठीक है। ब्रिक यार्ड है, थ्रू द लाइन गया बी आर आई के ब्रिक, और वाई को हाफ कर दिया, ब्रिक यार्ड का साउंड आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू और वाई को हाफ करके हम लोग ये चारों साउंड्स को यूज कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा इस चैप्टर में सफिक्सेस एंड टर्मिनेशंस में। एक दो पॉइंट्स और होंगे, वो आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसके एक्सरसाइजेस करो, बनाओ और उसको पीछे आप अपने आंसर कीज से मिलाओ, और एक दो बार नहीं 5-10 बार इसके आप लोग जो भी चैप्टर्स हैं उसको रिपीट ज़रूर करना। और होपफुली उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।